हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। टुडेज मैथ क्वेश्चन फॉर यू इज, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? क्या गिवन है? 1 मीटर स्क्वायर = 1000 लीटर। ये आपको याद होना चाहिए। वैसे अगर ना भी गिवन हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, अगर हम ऐसे कहें कि एक ऐसा बॉक्स है जो 1 मीटर लेंथ चौड़ा है, 1 मीटर वाइड, ठीक है ना, उसकी लेंथ एंड विड्थ एंड उसकी हाइट भी 1 मीटर की है, ठीक है ना, तो उसमें हम 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। इस तरीके समझो कि अगर हम उसको भरें वाटर से तो वो 1000 लीटर उसमें वाटर आ जाएगा, ऐसा समझो इसको, ठीक है ना। तो अभी इसमें कहा है कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जो 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है एंड 4.5 मीटर डीप है, तो उसमें कितने लीटर वाटर आ सकता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, बस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और चेक करना है कि कितने मीटर क्यूब बना। अब अगर मान लो ये 2 मीटर क्यूब होगा तो उसमें 2000 आ जाएगा। अभी चेक करते हैं पहले कितना आता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वॉल्यूम आएगा। तो इन तीनों की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो लेंथ 6, ब्रेथ 5 एंड हाइट 4.5 है, मल्टीप्लाई करते हैं 6, 5, 45, 10, ये हो गया 135 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या गिवन है, ये हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए वैसे कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 135 मीटर क्यूब में कितना होगा, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दो तो इतना लीटर पानी आ जाएगा। तो 135 एंड आगे 000, ये आंसर हो जाएगा, इतना लीटर पानी आ जाएगा इस टैंक में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ऐसा ही सॉल्व करना है आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिच 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि हमको कॉस्ट फाइंड करनी है डिगिंग की, उसकी खोदने की। एक क्यूबॉइडल पिच है, क्यूबॉइडल पिच 8 मीटर लॉन्ग है, जो कितनी है 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है एंड 3 मीटर डीप एट द रेट। तो हमको 8 मीटर एंड 6 मीटर है और वो हमको 3 मीटर डीप तक उसको क्या करना है, डिग करना है, खोदना है। और तो सबसे पहले हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे कि भाई हम उसको टोटल अगर डिग करते हैं तो कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। अब रेट दे रखे हैं कि 30 पर मीटर क्यूब, कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपीज़ हैं, तो जो भी टोटल आएगा उसमें 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, सिंपल कुछ नहीं है, बस आपको ये सारी मल्टीप्लाई कर देनी है तो आंसर आ जाएगा। तो आप करो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।